आइए आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवाता हूँ जिनको गरीबों का मसीहा अब्दुल कलीज मोहम्मद अरमान मलिक साहब जो फुलवाड़ी शरीफ के अलौकवादी में रहने वाले हैं और इनको किसी परिचय देने की मोहताजी नहीं है। इनका नाम ही खुद एक परिचय है। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। मलिक बेयर सोसाइटी की स्थापना कब हुई, किस उद्देश्य से हुई और इनके संस्थापक? मलिक बेयर सोसाइटी माशाल्लाह पिछले कमोबेश 20 सालों से काम कर रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है ये 4/5/2010 को 1860 एक्ट के तहत हुआ है। मलिक बेयर सोसाइटी माशाल्लाह गरीबों, शोषितों, वंचितों, जरूरतमंदों और हाजतमंदों के बीच में बुनियादी चीजों के काम करने पर यकीन रखती है। हम लोग एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के बारे में, हमारा सबसे मेन उद्देश्य है कि जो लोग शिक्षा से वंचित हैं, तो गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के, दलितों के लोग, उन लोगों के अंदर एजुकेशन आए। इसी तरह से जो फॉरवर्ड क्लासेस के भी लोग हैं लेकिन फाइनेंशियली वो लोग बहुत ही एबल और कैपेबल नहीं है कि अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करें, तो उन लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि मुख्तलिफ औकात में हम लोगों ने स्कॉलरशिप देने का भी काम किया है। अभी देखिए अलवा कॉलोनी में भी एक मदारिस चल रहे हैं जिसको अलवा कॉलोनी के लोगों के ताबून से, मलिक बेयर के ताबून से वो मदरसा माशाल्लाह चल रहा है। झूठी झोपड़ी सलम एरियाज में जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग यहाँ तकरीबन 3 साल से वो काम कर रहे हैं। उसकी सबसे पहली शुरुआत हमारे घर से हुई थी माशाल्लाह। अभी हम लोगों ने एक एकेडमी के शुरू की जिसका नाम हमदर्द एकेडमी है। नो डाउट उसमें अलवा कॉलोनी के रेसिडेंट्स लोगों का भी ताबून है। मलिक बेयर सोसाइटी के भी बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स हैं जो ताबून कर रहे हैं और माशाल्लाह एजुकेशन का काम चल रहा है। देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आप अपने जीवन परिचय, जैसे आपकी शैक्षणिक योग्यता, कहाँ आपने शिक्षा ग्रहण की और आप कहाँ तक शिक्षा ग्रहण किए हैं, इस संबंध में कुछ बताएं आप। देखिए मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, बिहार स्टेट के। मेरा मैट्रिकुलेशन हुआ है माफी हाई स्कूल से। ये एक रूरल एरिया में है गांव माफी, वहाँ से हमारा मैट्रिकुलेशन हुआ। उसके बाद फिर मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट चला गया और वहाँ से मैंने प्लस टू किया और प्लस टू करने के बाद मैं पटना आया, वहाँ से इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहा था। उसी बीच में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का इंटर्नशिप का एग्ज़ाम हुआ, मैं उसमें अपीयर हुआ और फिर क्वालिफाई करने के बाद मैं जेएनयू चला गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए वहाँ से पीजी भी किया और वहाँ से पीजी करने के बाद फिर मैं जामिया मिलिया इस्लामिया चला गया और वहाँ से मैंने फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से बीएड किया। ये हमारी शैक्षणिक योग्यता। आपके मन में सामाजिक कार्य करने के लिए कब से उत्सुकता बढ़ी? देखिए सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, उस दर्द को और उस पीड़ा को मैं समझता हूँ कि किसानों के क्या हालात होते हैं, गरीबों और वंचितों के, हाजतमंदों के क्या हालात होते हैं, उनको किस किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने से लेकर के उनके जो रोज़मर्रा जिंदगी होती है, तो उस कीड़े को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है जो उस कीड़े से खुद दो चार हुआ हो। तो मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं उस कीड़े को समझा और उसी वक्त से हमारे दिल में, हमारे मन में ये जज्बा उमड़ा कि हम इंशाल्लाह गरीबों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं स्टूडेंट्स लाइफ से ही अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा काट काट करके गरीबों के लिए हमेशा अपने गांव के वो जो लोग दलित वगैरह थे, माझी वगैरह थे, मैं आपको बता दूं कि जब मैं मैट्रिक भी नहीं किया था, 8th क्लास में था, हमारा जूनियर एक माझी था वो 7th क्लास में था, तो मैं अपने पूरे किताब को 8th पास करने के बाद उसको दे देता था। वो हमारा जूनियर था एक रविदास जिसको हम लोग चमाल बोलते हैं, वो था हमारे पास, तो कुछ किताब मैं उसको दे देता था। तो इस तरह से हमारे ये बचपन से ही कहने की ये कीड़ा सामाजिक सेवा का हमको काटता रहा और जब भी जितना मौका मिला मैंने जरूर करने का काम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मौके ज्यादा हैं, फाइनेंशियली भी थोड़ा सा उस तरह से हम अपने आप को पा रहे हैं कि हम कुछ ज्यादा कर पा रहे हैं तो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज हमारे देश की जो स्थिति है उस पर कुछ बताएंगे? देखिए सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम क्या कहें, मुझे बहुत दर्द महसूस होता है। हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत मुल्क जाना और माना जाता था। हमारा संविधान पूरे दुनिया के तमाम ममालिक के लिए आइडियल संविधान हुआ करता था। हमारी गंगा जमुनी तहजीब जो हमारा सिविलाइजेशन था, शायद इसका कोई दूसरा मिसाल नहीं था, इसकी तस्वीर नहीं की जा सकती थी। यह इतना खूबसूरत हमारा हिंदुस्तान था, क्योंकि यहाँ पर समानता और बराबरी की बात हमेशा कही गई, चाहे वो हमारे संविधान में हो या हमारी तहजीब में हो। लेकिन आज के जो सिस्टम है, और आज इस तरह से मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इसमें मीडिया भाई भी हमारे कसूरवार नहीं, कि हमारे हिंदुस्तान के गंगा जमुनी तहजीब को तार तार करने में वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मीडिया क्या, मैं बताऊं, मीडिया ऐसा काम कर रही है कि हीरो को वेलन बना के पेश कर रही है और वेलन को हीरो बना करके पेश कर रही है, जो हमारे मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमारे मुल्क में देखें, नफरत जो मोहब्बत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, आज उसी हिंदुस्तान के अंदर जिसको तमाम कम्युनिटी के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों ने मिल करके इस हिंदुस्तान को आजाद कराया था, जब एक किसी कोई हिंदू भाई अगर अपने घर से जाता था तो मुस्लिम भाइयों को वो कहता था कि हमारे घर की आप रखवाली करें, हमारी बहू बेटियों की आप हिफाजत करें, और ऐसा होता था। हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत था, और कोई मुसलमान जाते थे तो वो हिंदू भाइयों को, हिंदू लोगों को कह करके जाते थे कि आप मेरे घर की और मेरे इज्जत की देखभाल करेंगे, और वो सारे लोग अपने जान की बाजी लगा करके जो है अपने माओ और बहनों की एक दूसरे कम्युनिटी की इज्जत किया करते थे, और जो है उनके लिए कुर्बानियां दिया करते थे। इतनी हमारी मोहब्बत थी, ऐसा हमारा हिंदुस्तान था। इसीलिए हमारा हिंदुस्तान पूरे ममालिक में, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत हिंदुस्तान था। लेकिन आज बहुत मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है कि हमारे मुल्क का लोगों ने शक्ल को बिगाड़ करके रख दिया, आपस में इतनी नफरतें बढ़ा दी गई हैं जो बहुत ही कहें कि हमारे मुल्क के लिए आने वाले डेट में घातक साबित हो सकता है। हो सकता है कि कहीं फिर दोबारा ऐसा ना हो जाए कि हमारा मुल्क गुलामी के जंजीरों में दोबारा से जकड़ जाए। इसके लिए सारे सिविलियंस को, सारे मीडिया कर्मियों को, सारे लीडर्स को अपने जहन को बिल्कुल साफ और शफाफ करना होगा, अपने दिलों में मोहब्बत पैदा करनी होगी। मैं यही सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि देखिए, हिंदुस्तान हमारा कल भी खूबसूरत था और आज भी खूबसूरत है, और आने वाले डेट में भी हम ही तमाम लोगों की जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम अपने मुल्क को सबसे खूबसूरत बना करके रखें। मीडिया वालों के बारे में आप क्या कहें? अभी कुछ मीडिया चैनल जो है, जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई ला करके पार किए हैं, इस संबंध में कुछ कहेंगे? देखिए सर, मीडिया तो बहुत ही अहम रोल अदा करती है किसी भी वतन को बनाने के लिए, नेशन को बनाने के लिए, उसकी तामीर के लिए। मीडिया की सहाफत जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं तो अपने तमाम मीडिया कर्मी भाइयों से, तमाम सहाफत से जुड़े हुए लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि देखें, हमारे हिंदुस्तान के शक्ल को बदसूरत आप लोग नहीं होने दें। हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत था और उसको आप लोग खूबसूरत बना करके रखें। इसमें आप लोगों के योगदान की जरूरत है, और आप लोगों का योगदान सबसे बड़ा योगदान होगा। आपकी बातें पूरे मुल्क में पहुंचती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचती हैं, इसलिए आप लोगों का ये बहुत ही बड़ा रोल है। हमारे मुल्क में जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, आप लोग इसको कंडेम करने का काम करें। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हुकूमत के तलवे चाटने का नाम देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति, नेशनल पेट्रियटिज्म वो है जो हमारे बड़ों ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, गांधी जी ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, अशफाक उल्ला खान ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, उसका नाम नेशनल पेट्रियटिज्म है, उसका नाम देशभक्ति है। हम तमाम लोगों को अपने इन पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। हमें वैसे तहजीब को इस हिंदुस्तान में पैदा करने की और लाने की जरूरत है। हमें अपने अखलाक और किरदार को वैसा बनाने की जरूरत है।
हम वेलन को हीरो बना करके पेश करने वाला काम नहीं करें और जो बातें हीरो हैं उनको हम वेलन बनाने का काम ना करें। मुझे लगता है कि आज के डेट में मीडिया सारे, मैं मीडिया की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेजोरिटी अक्सरियत मीडिया यही कर रही है कि हीरो को वेलन बनाकर पेश किया जा रहा है और वेलन को हीरो बनाया जा रहा है। ये बात बिल्कुल उचित और बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इन तमाम चीजों पर अंकुश लगना चाहिए। जो बातें सही हैं वही चीजें आवाम के सामने, मुल्क के सामने और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर वही बातें आनी चाहिए। अगर हमारी हुकूमत गलत करती है, जैसे अभी हुकूमत ने ये बात कहा कि भाई ऐसी बगौर बीमारी फैल गई है, लॉकडाउन होना चाहिए। मैं लॉकडाउन को 100% पालन करता हूं, मैं उसका 100% समर्थन करता हूं। हुकूमत की तरफ से जब अच्छी बातें आए, जो हमारे मुल्क के लिए, जो हमारे मुल्क के अवाम के लिए अच्छी बात हो, उसको 100% हम लोगों को इंप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत कहीं पर जहर घोलने का काम करती है, हमारे मोहब्बतों को नफरतों में बदलने का काम कर रही है, तो वहां पर हम तमाम सिविलियंस को अंकुश लगाने की जरूरत है, मीडिया कर्मियों को अंकुश लगाने की जरूरत है। इसलिए मीडिया कर्मी बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। आप लोग बराए मेहरबानी तमाम मीडिया कर्मियों से, तमाम सहाफत के लोगों से हमारा निवेदन है, हमारी अपील है कि वो हिंदुस्तान के माहौल को साफ और शफाफ बनाए, गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट करें। जो बातें गलत हैं, चाहे हुकूमत गलत करे, तो ये गट्स होना चाहिए कि हम, हुकूमत भी अगर गलत काम कर रही है तो हम उसका विरोध करें। मैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मुझे आपने छेड़ दिया है, तो मैं देखिए हुकूमत की बहुत सारी चीजें जो गलत है वहां हमको, अभी क्या हो रहा है कि ये कोरोना जैसा वायरस को हिंदू मुसलमान से जोड़ करके देखा जा रहा है। ये बताइए, एक महामारी है, इससे मिलकर के हमें लड़ने की जरूरत है, इसको हमको मिलकर के इससे मुकाबला करने की जरूरत है। ये क्या कर रहे हैं, क्या कोई बीमारी हिंदू और मुसलमान देख करके आती है, या जिस तरह से मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, तो क्या इन मुसलमानों को अपनी जान की परवाह नहीं होती है? इनके पास बीवी बच्चे भाई बहन माँ नहीं है जो ये अपने जान को जोखिम में डाल करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना को फैलाएंगे? ये सब कितनी गलत बात है। इन तमाम बातों पर तो अंकुश लगना चाहिए, मीडिया कर्मियों को ये बातें रखनी चाहिए। क्या इसके लिए अभी जैसे आपने बताया तो जो अभी हुआ के बाहर से सारे लोग आए, जमात तबलीगी जमात पर भी जो उंगलियां उठाई गई, लोग बाहर से आए, बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मीडिया कर्मी क्यों नहीं इस बात को बोल रहा है कि इसके लिए हुकूमत पूरे तौर से जिम्मेदार है? जिसने वीजा देने का काम किया, बाहर से विदेशियों को कोरोना के फैलने के बाद इस हिंदुस्तान में आने दिया गया? अगर वो जमात मरकज में नहीं होते तो ये तो हिंदुस्तान में ही होते ना, वीजा आपने दिया था, तो ये मरकज में अगर बीमारी नहीं फैलाते तो हिंदुस्तान के और दिगर मुकामात पे, रेस्टोरेंट में, होटलों में फैलाते? ये तो मुसलमानों तक ही फैलाना, इससे पहले तो फिर कितने आप लोगों के बीच में फैल जाता, तमाम कम्युनिटी के बीच में फैलता? मरकज ने तो उन लोगों को शरण दिया, अपने जान को जोखिम में डाला कि ठीक है, ये हमारे बाहर से मेहमान आए हुए हैं, इनको हम जो है इनका स्वागत करेंगे, इनका हम इस्तकबाल करेंगे, और उनको मेहमान की तरफ से मरकज में रखा गया। मीडिया कर्मी कैसे इसको लोगों को देगा? क्या जब तबलीगी जमात वाले लोगों को फैमिली नहीं है, माँ बाप नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, उनको अपने जान का परवाह नहीं है, क्या ये सब हो रहा है? ये सब बातें बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। ऐसी बातों को दबाना चाहिए। और टीवी पर डिबेट्स होते हैं, लोगों को बुलाए जाते हैं, इश्तियाल अंगेज बातें होती हैं, तो ये मीडिया कर्मी क्या कर रही है? हिंदू मुसलमान की लड़ाई को और भड़काने का काम कर रही है, ये आग पे पेट्रोल छिड़कने का काम कर रही है। कोई मीडिया चैनल से ये क्यों नहीं बोला जा रहा है कि ये बातें बिल्कुल गलत है? आपको मैं बता दूं कि मरकज में अगर 3000 आदमी इकट्ठा हुए थे उस डेट पे, जिस डेट के बारे में ये बोल रहे हैं, कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन का मामला हुआ, इसके अलावा आपके नॉलेज में होना चाहिए, मेरे पास पूरा डाटा है, आप बोलो तो मैं पूरा आंकड़ा पेश कर दूंगा, पूरा डाटा पेश कर दूंगा कि बहुत सारे दीगर मुकामात पे, बहुत सारे मंदिर में, बहुत सारे आश्रम में, बहुत बड़े बड़े उससे ज्यादा तादाद में जो है इस्तेमाल हुए, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा। ये आपके कनिका कपूर एक आई थी, कितने पॉलिटिशियंस के साथ, बड़े बड़े भाजपा के लीडरों के साथ उनका प्रोग्राम हुआ, उन पर उंगलियां कोई नहीं उठा रहा।
मरकज के ऊपर आपने सारा ठिकरा जो है मुसलमानों के ऊपर खोने का काम किया, मरकज के ऊपर खोने का काम किया। ये सब बात बहुत ही गैर मुनासिब है। हिंदू मुसलमान में ना बांटे इस हिंदुस्तान को, इस हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनकर रहने दें। अगर इस हिंदुस्तान से मुसलमान अलग हो गया या हिंदू अलग हो गया या सिख अलग हो गया या ईसाई अलग हो गया तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये हिंदुस्तान आपका हिंदुस्तान नहीं है। मौके पर अब ये बताएं कि रमजान का महीना जो है ये तो बहुत पवित्र महीना है, इस महीने में लोग रोजा क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं और इस रोजे की अहमियत क्या है? देखिए सर, रमजान में रोजा जो रखने का जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझे इल्म है, उसका मकसद ये है कि गरीबों के प्रति, मिस्कीनों के प्रति, मुहताजों के प्रति, जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके प्रति आपके दिल में दर्द पैदा हो। और जब आप रियली उस सिचुएशन से गुजरते हैं तो आपके दिलों के अंदर में रियल फीलिंग पैदा होती है, आप उसको रियलाइज करने वाले होते हैं। इफ यू डोंट गो थ्रू द सेम सिचुएशन, इफ यू डोंट फेस द सेम सिचुएशन, द रियल फीलिंग विल नॉट कम इन योर हार्ट। तो ये मामला है, हम अगर हम लोग भूखे रहते हैं रमजानों में, भूख के वक्त क्या कैफियत होती है ये हमें इसका एहसास होता है, तो इससे फिर क्या होता है कि जो लोग गरीब हैं, भूखे हैं, उनके प्रति हमारे दिलों के अंदर में दर्द पैदा होता है और हमें वो महसूस होता है कि अरे हम भाई जब भूखे थे तो हमको ऐसा महसूस हो रहा था, तो ये भी भूखे होंगे तो इनको कैसा लग रहा होगा। फिर हम उन भूखों के लिए खाना खिलाने वाले बनते हैं, प्यासों को हम पानी पिलाने वाले बनते हैं, बिना किसी जात पात की तफरीक के हम इंसानों का भला करने वाले होते हैं, बनते हैं। और देखिए, इस्लाम का ये बुनियादी मकसद है, इस्लाम का यही रूह है। अल्लामा इकबाल ने कहा, हमने दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतावत के लिए कुछ कम न थे करो गए। तो रमजान का कुछ साइंटिफिक रीजन तो होगा कि रमजान में जो रोजा रखते हैं लोग, तो रोजा रखने से क्या क्या फायदे होते हैं लोगों को? मैं आपको ये बता दूं कि सर, इस्लाम में जितनी भी चीजें करने के लिए कही गई हैं सबका साइंटिफिक रीजन है। आप चाहे नमाज पढ़ने की बात करें, आप वजू बनाने की बात करें, आप जो है रोजा रखने की बात करें। अभी आपके सबसे योगा के बाबा रामदेव साहब ने ये कहा नमाज के बारे में कि जो लोग मुसलमान हैं और नमाजों की पाबंदी करते हैं उनको योगा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 to 10 योगा नमाज के अंदर में मौजूद है। हम रुकू करते हैं, सजदे करते हैं। तो इस्लाम में जितना फायदा आखिरत में है, ठीक है, इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है, मैं आपको बता दूं कि दुनिया का भी फायदा उससे होना है और मरने के बाद जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है वो उससे भी वही इसी से निजात मिलेगी इस्लाम को फॉलो करने से। तो ये देखें, जो रोजा हम रखते हैं, आप बहुत सारे डॉक्टर से पूछे, अभी तो रिसर्च भी आ गया है कि कैंसर के जैसे मुगली कमराज और भी इसी तरह से, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, या जो बीपी वगैरह अभी जनरली जो आप देख रहे हैं, शुगर है, बीपी है, इस तरह के बहुत सारे अमराज के लिए रोजा बहुत ही मुजर्रब चीज है। रोजा कहने की बहुत ही दवा का काम करती है। रोजा को साइंटिफिक तरीके से भी कहा गया कि आपको साल भर में 1 महीने का फास्टिंग होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में जितने भी मजाहिब हैं हर जगह रोजे का कॉन्सेप्ट है, कहीं उपवास के नाम पर है, कहीं फास्टिंग के नाम पर है, कहीं रोजे के नाम पर है। और ये इसीलिए है कि क्योंकि हर मजहब की देखिए बुनियाद इंसानियत को फरोग देना है, समाज को आगे बढ़ाना है, इंसान की वफा और बका जो है सबसे अहम और अजीम मकसद है तमाम मजाहिब का जो हिंदुस्तान में है। और इसीलिए हमारा हिंदुस्तान सबसे खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ जितने भी मजाहिब हैं सबके अंदर इंसानियत को फरोग देने की बात कही गई है, समाज को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। इसीलिए नॉट ओनली इन इस्लाम, तमाम और दीगर मजाहिब में भी उपवास का, फास्टिंग का और रोजे का कॉन्सेप्ट है। और वो इसीलिए है कि आप जब रोजा रखेंगे, भूख से जब आप दो चार होंगे, तब आपको जो भूखे लोग होंगे उनको खाना खिलाने वाले आप बनेंगे, प्यासों को पानी पिलाने वाले बनेंगे,
गरीबों के प्रति जो है आपका ध्यान आकर्षित होगा। और रमजान एक ऐसा मुबारक महीना है, हमारे यहाँ कहा गया कि रमजान जो है गमखारी का महीना है, रमजान हमदर्दी का महीना है, रमजान प्यार और मोहब्बत को बांटने का महीना है। पूरी इंसानियत में हम प्यार और मोहब्बत को बांटे, पूरे इंसानियत के प्रति हम हमदर्दी करने वाले हो, पूरे इंसानियत के प्रति जो है हम दिल दिल में हम उनके प्रति गमखारी लाने वाले हो जाए, पूरी इंसानियत का हम भला करने वाले हो जाए। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि ज़कात को आप अदा करें, कहा गया कि ज़कात को जब आप अदा करेंगे तो कोई भी अगर सारे लोग अदा करने वाले हो जाए तो इससे जो है तो हमारे गरीबों का, मिस्कीनों का और जो जरूरतमंदों का जो भूख से दोचार हो रहे हैं, शायद हिंदुस्तान के अंदर कोई भूख से फिर नहीं मरेगा अगर सारे मुसलमान लोग भी ज़कात अदा करने वाले हो जाए। देखिए इस्लाम एक बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही फ्लेक्सिबल रिलीजन है। इस्लाम में सारी बातें हैं और तमाम चीजों का मकसद एक ही है जो मैंने आपको बताया कि अल्लामा इकबाल ने अपने अशआर में, अपने शेर में कहा कि इंसानियत को बचाना, इंसानियत को फरोग देना, इंसानियत के लिए भला करना, इंसानियत के अंदर प्यार और मोहब्बत को बांटना, यही सबसे बड़ा हमारा धर्म है, यही हमारे मजहब की रूह है। इसको हम लोगों को, सब लोगों को मिल करके तो गरीबों के प्रति अभी जो मुल्क में खास तौर से हालात हैं, हम लोगों को बहुत ही फिक्रमंद होने की जरूरत है, उनके प्रति गमखारी लाने की जरूरत है। अभी माशाल्लाह मैं आपको बता दूं कि जब से लॉकडाउन का सिलसिला हुआ है मलिक व्या सोसाइटी, तब से आप लोगों के नॉलेज में भी कि मुस्तकिल राशन वितरण का काम कर रही है बिना किसी तफरीक के कि कौन किस समाज का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस मजहब का है, कौन किस समुदाय का है, कौन किस जो है स्टेट का है, क्योंकि अभी बाहर के लोग भी हमारे नोटिस में बहुत सारे हैं कि दूसरे स्टेट के लोग भी फंसे हुए हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी इस पटना में फंसे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि पूरे फुलवारी शरीफ में ही नहीं बल्कि पूरे पटना में हम लोगों ने जाके वहाँ के जिम्मेदारों से मिल मिल करके शॉर्ट लिस्टिंग किया है, गैर मुस्लिमों में भी, हिंदू भाइयों के भी जो है झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर, मुसलमान भाइयों की भी झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर, बहुत सारे क्रिश्चियन हजरात भी फंसे हुए थे उनके लोग, उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने हेल्प आउट करने का काम किया है। भाई ये इंसानियत को बचाना है, यही सबसे बड़ा धर्म है। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस्लाम में ये कहा गया कि आपका नेबरहुड 40 घर होता है, आप जो है इस 40 घर में कोई भी अगर भूखा रह जाए और आप खूब सैरो शिकम होकर के खाना खाएं और वो भूखा रह जाए तो ये आपका खाना दुरुस्त नहीं होगा। इसमें कहीं पर ये बात नहीं लिखी हुई है कि वो जो 40 घर है वो मुसलमान का ही होना चाहिए, बल्कि सिर्फ एक बात कही गई है कि वो इंसान का घर होना चाहिए और जिसका घर जितना करीब होगा उसका हक उतना ज्यादा बनता है। अगर पहला घर हमारा हिंदू भाई का है और दूसरा घर सिख भाई का है और तीसरा घर मुसलमान भाई का है तो हमें एक लाइन से चलना चाहिए इंसाफ के तहत कि पहले हम हिंदू भाई का ख्याल करेंगे, फिर हम सिख भाई का ख्याल करेंगे, फिर हम मुसलमान के पास जाएंगे। जिसका घर जितना करीब होगा उसका हक उतना ज्यादा होगा। पूरे इंसान के प्रति हमारे यहाँ हमदर्दी करने की बात कही गई है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ अल्लाह के रसूल को जो भेजा गया है उनके लिए यह नहीं कहा गया है कि वो रहमतुल्लिल मुस्लिमीन है, बल्कि वो रहमतुल्लिल आलमीन है, वो सारे इंसानियत के रसूल हैं और पूरी इंसानियत उनकी उम्मत है। इसलिए हमें चाहिए और तमाम मुसलमान भाइयों को खास तौर से चाहिए कि पूरी इंसानियत का वो ख्याल करें, क्योंकि ये तमाम अल्लाह के रसूल की उम्मत है। हमारा अल्लाह के रसूल की उम्मती को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की अपनी जात से, हमारी जात से उनको परेशानी और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम उनके परेशानी और तकलीफ का बास बिल्कुल नहीं बने, बल्कि हम तमाम मुसलमानों को ये चाहिए कि पूरी इंसानियत के लिए हम राहत का, हम सुकून का, हम अमन और चैन का बास बने। मैं रमजान के मौके से यही संदेश अपने पूरे देश के मुसलमान भाइयों को देना चाहता हूँ कि आप जो है अपनी अपने हरकत से, आप अपनी फितरत से, आप अपने चाल चलन से, आप अपने व्यवहार से प्यार और मोहब्बत को बांटने का काम करें, अपने अंदर गमखारी लाने का काम करें, अपने अंदर पूरे इंसानियत के प्रति हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बे को पैदा करें और इसी को पूरी दुनिया में और पूरे आलम में आम करने का काम करें। अंतिम सवाल ये कि अभी चूंकि हमारा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से ग्रस्त है और पूरा देश लॉकडाउन है और इसी बीच रमजान का पवित्र महीना भी है,
तो इस महीने में देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक वबा है, एक बीमारी है, और हमारा ये मानना है कि ये इंसानों के अमाल का नतीजा है। हमारे यहाँ कहा गया है कि जितनी भी खुश्की में या बकरी में जो भी किसी तरह के हालात पैदा होते हैं और आपके हालात अगर नामुवाफिक होते हैं तो ये आपके अमाल का नतीजा है। तो जो भी जिस धर्म के और जिस मजहब के मानने वाले लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि तमाम लोग अल्लाह की तरफ, ईश्वर की तरफ, गॉड की तरफ रुजू करें, वहीं से इसका मामले का हल होगा। वैसे जो भी हमारे डॉक्टर्स हजरात, रिसर्च स्कॉलर्स, साइंटिस्ट कह रहे हैं, तदबीर को अपनाना इस्लाम में भी सुन्नत है, तदबीर को हमेशा अपनाने के लिए कहा गया है। तो हमें जो भी तदाबीर डॉक्टर्स, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, इवन हुकूमत कह रही है, हमें उस तदाबीर को जरूर जो है फॉलो करना चाहिए। उनके जितने भी आदेश और निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको हम तमाम लोगों को उसका जरूर पालन करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत कभी कोई गलत काम करे तो हमारे अंदर इतना जरूर गट्स होना चाहिए कि हम उन बातों का भी जरूर विरोध करें। हुकूमत के, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि तलवे चाटने का नाम देशभक्ति नहीं है, ये मुल्क से वफादारी का नाम ये नहीं है। अब आप बताएं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने COVID-19 के मौके से ताली बजाने का, तो थाली बजाने का, दिया जलाने का, आप खुद बताइए कि चलिए साइंस के ही एतबार से आप मान लीजिए, मेडिकल लाइन के ही एतबार से आप बात कीजिए, बताएं कि इन तमाम चीजों को करने से COVID-19 भाग जाएगा क्या? इसलिए ऐसी जो चीजें हो तो हमारे अंदर ये गट्स जरूर होना चाहिए कि हुकूमत भी अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे हमारा मुल्क शर्मसार हो रहा है, हमारे मुल्क का के बारे में हर जगह गलत बातें की जा रही हैं, तो ऐसी बातों को करने के लिए हमारे पास जरूर गट्स होना चाहिए। आप बताएं कि COVID-19 का ताली से, थाली से और दिया जलाने से क्या ताल्लुक है? अगर हमारे वजीर आजम साहब ये कहते कि भाई जितने लोग शहीद हुए हैं COVID-19 में, उनके लिए एक मिनट का मौन किया जाए, कहीं बात समझ में आती? ये अगर वो संदेश देते कि हर मजहब मजाहिब के लोग अपने अपने एतबार से दो मिनट अपने लॉर्ड के सामने, ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने दो मिनट जो है रुजू करें और उनसे प्रार्थना करें कि ये COVID-19 जैसी बीमारी हमारे मुल्क से और बल्कि पूरी दुनिया से खत्म हो जाए, तो ये बात समझ में आती? ये बताइए, ताली बजाना, थाली बजाना, दिया जलाना, ये सब मैंने क्या है? ये सब नॉनसेंस बात है। इस तरह के नॉनसेंस बातों को करने के लिए ये हमारे एलिट क्लास के लोग भी, पढ़े लिखे हुए लोग भी, जो लोग बेदार मग्ज लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो लोग भी इसमें जो है शरीक हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कितने जगह अभी थाली नहीं बजी तो वहां कॉमनल जो है वायलेंस हो गया कि मोदी जी ने कहा था थाली बजाने के, दिया जलाने के लिए तो क्यों नहीं जलाएगा, थाली बजाने के लिए कहा वो क्यों नहीं बजाएगा, इसको लेकर के जो है फिरका परस्ती की आग जो है भड़क गई। तो ये सब जो चीजें हैं, इस तरह की चीजों को कंडेम करना चाहिए। रमजान का माशाल्लाह मुबारक महीना है, मैं तमाम मुसलमानों को, देशवासियों के मुसलमानों से, बल्कि तमाम आलम के मुसलमानों से, चूंकि ये वबा तो पूरे आलम में फैला हुआ है, आलमी सतह पर यह जो है वबा फैल चुका है, तो मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि ये माह मुबारक का महीना है, इस मुबारक महीने में दुआएं बहुत कबूल होती हैं, नबियों की तरह दुआएं कबूल होती हैं, तो अल्लाह के सामने रुजू करें, अल्लाह से मांगे कि हमारे मुल्क के और बल्कि तमाम दुनिया के हालात को अल्लाह सही कर दें, इस मुगलिक अमराज को इस हिंदुस्तान से और बल्कि पूरे आलम से अल्लाह ख़त्म कर दें। यही और जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट के, डॉक्टर्स के, साइंटिस्ट के, रिसर्च स्कॉलर्स के, उसके आदेश का हम लोग पूरे तौर से
पालन करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे। अभी जो है सारे लोग मिल करके इससे लड़ रहे हैं और इसी तरह से मिल करके लड़ना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि सारे मसाजिद में तरावी की नमाजें नहीं हो रही। हिंदुस्तान में तो हम समझते हैं कि कम से कम न कोई स्टेट ऐसा, न कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, न कोई गांव ऐसा है जहां पर इज्तमाही शक्ल में लोग तरावी पढ़ने में या नमाजों को अदा कर रहे हैं, पूरे तौर से पालन कर रहे हैं। और ये हालात ऐसे हैं तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। हम लोग साथ में इफ्तार करते थे, खुशियाँ मनाते थे, तरावी पढ़ते थे, नमाजें पढ़ते थे, लेकिन अब चूँकि ऐसे हालात हैं तो ऐसे हालात में इंशाल्लाह हमें जो है तदबीर को अपनाने में अपनाना सुन्नत है और हमारे सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। हम लोग घरों पर बैठ कर तरावी का अहतमाम करें, तिलावत का अहतमाम करें, नमाजों का अहतमाम करें, अल्लाह से खूब दुआएँ मांगें, इंशाल्लाह ये सबसे बड़ा हल होगा। और अल्लाह ही इस वबा को जो है इस गर्दमीन को उतारे हैं। ये वबा मेरा मानना है कि आसमान पर से उतरा है और आसमान ही वाला ख़त्म करेगा। और उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि हम आसमान वाले की तरफ रुजू करें और उससे दुआएं मांगें, इंशाल्लाह ये हल कभी निकलेगा।